स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी संस्था IIHMR इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रबंधन में छात्रों को ऊंचाइयों तक ले जाने एवं उन्हें कुशल मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए गर्व से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड से सम्मानित किया गया। NAAC एक मान्यता अकादमिक उत्कृष्टता अनुसंधान नवाचार और छात्रों के समग्र विकास के प्रति होने के कारण IIHMR को ये प्रतिष्ठित ए ग्रेड दिया है। आइए अब आपको IIHMR के बारे में बता दें। IIHMR का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये संस्था हेल्थ से जुड़ी हुई कई तरह के कोर्स कराती है और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ कुशल व्यवहार की भी ट्रेनिंग देती है। इस संस्था से पास आउट होकर हजारों छात्र देश के लगभग हर कोने में बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सैकड़ों छात्र विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें अच्छा पैकेज भी मिल रहा है। इस संस्था से पास आउट होने वाले छात्रों की देश के बड़े बड़े अस्पतालों में इतनी डिमांड है कि हर साल इस संस्था का 100% प्लेसमेंट होता है। इस संस्था में पढ़ने वालों छात्रों को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, साथ ही कमाई के छात्रों के लिए विशेष छूट भी दी जाती है। इस उपलब्धि के बाद IIHMR की डायरेक्टर डॉक्टर सुतापा बी न्योगी ने संस्था से जुड़े सभी लोगों को बढ़ाई दी और भविष्य में संस्था को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित किया। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे आज सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम बहुत खुश हैं कि हमें IIHMR दिल्ली से NAAC की एक्रीडिटेशन मिला है, और वो भी एकदम फर्स्ट साइकिल में। सो NAAC का क्राइटेरिया ये रहता है कि इफ़ यू आर इन एग्जिस्टेंस फॉर 6 years एंड इफ देयर हैव बीन 2 पास आउट बैचेस ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NAAC। इस बार हमने सबसे पहली बार ये मतलब अप्लाई किया था और एक ही बार में हमें NAAC की एक्रीडिटेशन मिला है। और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में IIHMR दिल्ली इज़ द ओनली स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन विच हैज़ NAAC की एक्रीडिटेशन। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मैम, इसका जो क्राइटेरिया है उसको क्रैक करना, क्या क्या चीज़ें आपके इंस्टीट्यूट में है जिसको जिसके चलते आपको NAAC का असेसमेंट बेसिकली 7 क्राइटेरिया पे होता है। एक आपका है कि एकेडमिक करिकुलम आपका कैसे है, उसको किसने वेट किया है, तो वो कितना वैलिड है, कितना रिलेवेंट है फॉर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, वो एक है। एक आपका रहता है फैकल्टी एंगेजमेंट, आपके पास कितने स्टूडेंट पे कितने फैकल्टी है, स्टूडेंट्स का डाइवर्सिटी कितना है, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन कितना है, फैकल्टी का रिसर्च आउटपुट कितना है, ये सब भी देखा जाता है। उसके अलावा एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसा है, आपके पास कितने क्लासरूम्स है, उसका साइज़ कितना है, आपके पास स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, आपके पास प्रॉपर IT टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वाईफाई इनेबल कैंपस है कि नहीं, ये सब भी देखते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवर एम्बियंस, ऐसी ग्रीनरी कितना है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, वो सब भी हमारे पास ये सब कंसिडर किया जाता है। इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस जो कि 7 क्राइटेरिया पे होता है, और इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट और कंपोनेंट इन ऑर्डर टू अटेन दोज मार्क्स फॉर NAAC। अभी IIHMR दिल्ली एक कैंपस है, लेकिन हमारे पास 3 कैंपस है। एक तो फर्स्ट कैंपस जयपुर में हुआ था, फिर हुआ था बैंगलोर में, फिर हमारा दिल्ली में। अच्छा, जहाँ पढ़ाई की मैम बात आती है वहाँ प्लेसमेंट की भी चीज़ आती है। IIHMR दिल्ली का प्लेसमेंट का जो कहते हैं हिस्ट्री है वो शुरू से काफ़ी अच्छा है, तो ऑलमोस्ट 100% हम लोग टच करते हैं, और इस बार भी हमारा प्लेसमेंट जो रेट है 100%। IIHMR दिल्ली को अभी रिसेंटली NAAC ने ए ग्रेड दिया है, जो कि एकेडमिक रिसर्च एक्सीलेंस का एक प्रतीक है। तो इसी को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आज हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो ये आप लोगों को क्रेडिट मिला है, ये कई तरह के कैटेगरी से गुजर कर होता है, बिल्कुल किन चीज़ों पर आप बेस्ट थे जिसके चलते ये? इसमें सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो एकेडमिक्स के ऊपर रहता है, फिर रिसर्च है, ट्रेनिंग है, बच्चों की क्वालिटी, फैकल्टी की क्वालिटी, किस तरह से पढ़ाया जाता है, टीचिंग लर्निंग का क्या आपका किस तरह से बच्चों को क्या टीचिंग पैडागॉजी है, तो ये सबको बताया जाता है और उसी का आंकलन करने के बाद NAAC ने हमें ए ग्रेड दिया है। ये अचीवमेंट मिलने के बाद एक इंस्टीट्यूट और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ फैकल्टी, कितनी बड़ी बात होती है? नहीं, ये सच में हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो इसमें बच्चों का और इंस्टीट्यूट का दोनों का फ़ायदा है। बच्चों के लिए जो एक उनकी क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है,
अच्छा उनको प्लेसमेंट में हेल्प मिलती है, ये अश्योर किया जाता है कि बच्चों को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, हमें क्वालिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अच्छा दूसरी साइड इंस्टीट्यूट का ये फ़ायदा होता है कि इंटरनेशनल टाइप के लिए अगर हमने जाना है, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ टाइप के लिए जाना है तो उसमें हमें इसका वेटेज मिलता है। और कंपनीज का जो भरोसा है बच्चों को हायर करते समय वो भी इंस्टीट्यूट के ऊपर और बच्चों के ऊपर बढ़ जाता है। जाहिर है किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो और अच्छा करने की कोशिश करता है, तो अब IIM आगे कुछ अच्छा करेगी, कुछ अलग करेगी? बिल्कुल, अभी इंडिया में जो रैंकिंग है हमने उसको लिया और अभी पूरा हमारी फैकल्टी स्टाफ इवन बच्चे सब मोटिवेटेड हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है हम इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए भी लें।